गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया हो गए, एकदम मज़े में होगे। तो भाई सुबह सुबह हो गई हमारी शुरुआत व्लॉग की, तो देखते हैं पूरा रूटीन जो है कैसा जाता है आज का दिन। और ये डेली का रूटीन हो गया नवरात्रों से ना, तो अपने आप ही आँख जो है ना खुल जाती है। अलार्म लगाती हूँ मैं 5:30 का, बट उससे पहले ही मेरी आँख 5:15 पर मेरी आँख जो है खुल जाती है अपने आप ही। पता नहीं ऐसे क्या होता है नवरात्रों में ना, मतलब नींद जो है ठीक से ना पड़ती नहीं है मेरे को। तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि नींद ठीक से आती नहीं और सुबह आँख जल्दी खुल जाती है, जबकि रात को मैं बहुत लेट सोती हूँ, क्योंकि जीनू लेट सोती है उसके बाद ही फिर हम लोग सो पाते हैं। बट फिर भी सुबह को जो है टाइम से ही आँख खुल जाती है। तो बस सुबह सबसे पहले झाड़ू पोंछा करना होता है, पूजा करनी है, तो इसलिए पूरे में अच्छी तरीके से पोंछा लगा देती हूँ मैं मॉर्निंग में ही। और बाद में जब गंदा होता है तो बाद में फिर देखा जाता है। तो सुबह जल्दी से झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैंने छौंकी फूल आलू की सब्ज़ी, आटा वाटा लगाया, देन जो है अपने बाल वाल थोड़े सुखा लेती हूँ। और उसके बाद जो है जीनू के लिए सेकूँगी पराठा। जीनू स्कूल जाएगी, उसको उठाया मैंने जाके, फिर उसको वॉशरूम में छोड़ के आई, जब तक ब्रश वगैरह करेगी वो तब तक जो है मैं यहाँ पर कर देती हूँ। और अभी फ़िलहाल में क्या वो अपने आप नहा लेती है एक दो दिन से, क्योंकि मेरे को थोड़ा बिजी हो जाता है मॉर्निंग में, तो मैं बोल देती हूँ तो वो नहा लेती है। थोड़ा टाइम लगाती है, फिर बीच में जाना पड़ता है देखने के लिए, बट ये है कि जितना वो कर पाती है उतना कर लेती है अपने आप, बाकी फिर मैं देख लेती हूँ जाके उसे। तो अभी जो है यहाँ पे पराठा सेक लेते हैं, जीनू के लिए गाय की रोटी निकाल देते हैं, बस मैं इतना ही सेकूँगी जीनू के लिए। बाकी जो बाकी तो सब बाद में सेकती होंगी पूजा करने के बाद, पहले जीनू को जाना होता ना, इसलिए सोचती हूँ उसे निकाल के तसली से पूजा करें, क्योंकि पूजा करने में टाइम लगता है, पाठ वगैरह पढ़ते हैं तो सुबह को ऐसा हो नहीं सकता कि पूजा कर लूँ मैं उसके बाद जीनू के लिए सेक दूँ, तो नहीं हो पाता पॉसिबल, क्योंकि पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है। तसल्ली से करो ना तभी पूजा अच्छी भी लगती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ जीनू चली जाए। दैन फिर तो ये सब लोग 9 बजे के पापा जाते हैं, 9 बजे 9:45 के अराउंड, तो तब तक तो हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर जीनू के लिए ना मैंने आलू निकाल देते हैं, फूल वो खाती नहीं है, आलू खा लेती है, तो थोड़ी सी मिर्च की सब्ज़ी मैंने निकाल दी थी, उसके लिए ठंडी हो गई थी तो पैक कर दिए, पराठा पैक कर दिए यहाँ पे, और साथ में फ्रूट रख दिया था उसके लिए। देन उसको रेडी करने का टाइम हो गया था, तो उसको कपड़े वपड़े पहनाए और बस क्रीम व्रीम लगाते हैं, उसकी पौनी बना देते हैं। देन जो है जीनू के जाने के बाद होगी हमारी नवरात्रों की पूजा माता रानी की। और हाँ, अजय माता का छठा दिन यानी कि स्कंद माता का दिन, तो उनकी कृपा आप सब पे भी बनी रहे, मुझ पर बनी रहे, सब पे बनी रहे। और जीनी का मुंह जो है बंद होता ही नहीं है, बड़बड़ बड़बड़, मतलब कुछ ना कुछ वो बोलती ही रहती है पूरे टाइम। आप लोगों को सुना दिया ना थोड़ा सा ऐसी। और यहाँ पे अपना सामान जो है थोड़ा बहुत रख लेती है, मैं लंच रख देती हूँ, तो अपने बैग में सारा जो चीज़ है ना सब कुछ अच्छे से अरेंज करके रख लेती है बैग में, तो समझदार तो बहुत है भाई। मतलब जो भी सामान रखो ना तो अपना बैग अपने आप ही लगा लेती है, जो भी होमवर्क करती है तो सारी जो बुक्स वगैरह नोटबुक हैं वो भी अपने आप जो है बैग में रख देती है काम करने के बाद। तो और उसके बाद जो अपने गणेश जी को ज़रूर वो देखती है जाके सुबह मॉर्निंग में, उनके लिए लड्डू बना के जाती है ताकि वो बाद में खा सकें, और उनको लिटा के और तब जाती है स्कूल, और डेली का उसका ये रूटीन है। तो जीनू को भेजा स्कूल, और उसके बाद फिर हम लोग लग गए थे पूजा में, अग्यारी करी है, एंड बस छोटा सा जो हवन है वो डेली कर लेते हैं, माता रानी का पाठ पढ़ लेते हैं, बस जैसा हमें आ पाता है वैसा हम कर लेते हैं। और उसके बाद जो भाई मैं जाऊँगी फिर किचन में, फिर किचन में लगेंगे। के बाद फिर मैं ऊपर जल चढ़ा के आई, और फिर जो है पराठे सेक रही हूँ पापा जी के लिए, पापा जी को नाश्ता लगा दूँगी, और फिर उनका लंच बॉक्स जो है वो पैक करना है, और इसके बाद जो है हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करना है, उनको भी नाश्ता देना है। और मम्मी चली जाती है मंदिर जल चढ़ाने के लिए, जो माता रानी का जल होता है ना वहाँ पर माता रानी है, तो वहाँ पर जल चढ़ाती है, कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। एंड यस, ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आ रहे हो आप लोग। तो खाना पीना होने के बाद फिर मैंने सोचा चलो पाठ पढ़ लेते हैं, टाइम से फ्री हो गई हूँ, तो अध्याय जो है ना मैंने अध्याय भी पढ़ लिया था। और फिर ये जो चादर है ना ये बहुत गंदी हो गई थी एक्चुअली, ये बिछाई तो चादर मैंने नवरात्रे स्टार्ट हुए तभी बिछाई थी, चेंज करी थी दोनों
बट ये जीन उन्हें पता नहीं क्या कलर वलर लगा देती है, वो तो चादर इतनी जल्दी गंदी हो गई ना कि मेरे को चेंज करनी ही पड़ी क्योंकि वो गंदा दिखता रहता ना फिर अच्छा नहीं लगता है बेडशीट पे, तो इतने कलर वलर पता नहीं क्या चॉकलेट वगैरह के दाग वो सब लग चुके थे, तो मैंने कहा चलो इसको चेंज कर देते हैं। तो बस ये बाहर वाली जो बेडशीट है इसको भी चेंज करने साथ साथ कर दिया, और चेंज करेंगे तो भाई थोड़ा नीचे होएगा ही गंदा, धूल मिट्टी हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से जो है पोछा लगा दिया। तो पोछे लगा ही रही थी यार, तो इतने में दिखा था कि पूजा जहाँ करते हैं ना वहाँ गंदा वसा हो जाता है जब सामग्री वगैरह सब चढ़ाते हैं, तो पूजा करने का थोड़ा वैसा हो जाता है, तो एकदम तो नहीं करते था, बट फिर ये मैंने दोपहर के टाइम पे कर देती हूँ, मैं अलग से कपड़ा लेके उससे साफ़ कर देती हूँ, तो बाकी तो मैं पोछे से ही साफ़ करूँगी, बट पूजा का जो स्थान है ना वहाँ पे कपड़े का यूज़ कर देती हूँ। तो इधर बाकी में सब में मैंने फिर पोछा लगा दिया था। देखो यार गणेश जी, ये जीनू ने बनाए और इसे इन्हें बनाए हुए हो गएंगे 7-8 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए बनाए हुए, और डेली क्या करती है गणेश जी को डेली सुलाती है, फिर आके अब बिठाएगी स्कूल से आएगी तो डेली लड्डू वड्डू पता नहीं क्या क्या बना के जाती है उनके लिए, डेली का रूटीन है, शाम को चादर उड़ा देगी टिश्यू पेपर से, या ये बना रखी उसने बेडशीट ये उड़ा के गणेश जी को सुला देती है रात में, सुबह उठेगी तो उन्हें बिठा देगी, अब गई है स्कूल तो फिर सुला के चली गई कि मम्मा छेड़ना मत बिल्कुल गणेश जी को, क्योंकि मैं टेबल साफ़ करती हूँ ना तो थोड़ा सा हटा देती हूँ, तो मैं कहा नहीं छेड़ूंगी और डेली का अब तो यही रूटीन हो गया, और चिपक रखे हैं बिल्कुल, और बनाए हुए कितने सही हैं उसमें, और जब बिठाएगी ना तो ये पैर वैसे कर देगी सीधे बैठने वाले, बच्चों की ना ऐसी हरकतें रहती हैं। चलो इनको आराम से उठा के मैं टेबल साफ़ करती हूँ, क्योंकि क्ले से करती है ना तो पूरी टेबल जो है गंदी हो जाती है, डेली गंदी होती है, चिपक जाती है किले पूरे में, ज़मीन पे भी दिखेगी किले, टेबल पे भी किले, हर जगह किले। चलो उसका भी टाइम हो रहा है स्कूल से लाने का, आने वाली होगी वो। अरे जी सोते रहेंगे, अब उठेंगे नहीं उठेंगे, खाना खाएंगे। ना ये जीनों के लिए और मेरे लिए, ठीक है आज अब वो ना इसके दाल होते वो गोल गोल सा होता उसके दाल होते वो बनाई हो ये तो ज्यादा पसंद है, ज्यादा पसंद है हाँ, और वो खिचड़ी भी बहुत ज्यादा पसंद, खिचड़ी पसंद है और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा खिचड़ी पसंद है, अच्छा और की तरह रही ना। और अपने लिए मैंने सोचा चलो आज ना कूटू के आटे की पूड़ी कचौड़ी जो होता है ये बना लेती हूँ, और साथ में सब्जी, वैसे मैं आलस कर जाती हूँ अपने लिए, सबका व्रत होता है तो यही बनता है, बट मैंने कहा चलो बना लेते हैं मन कर रहा था, और जीनू के तो फेवरेट है, मतलब उसको सब कुछ अच्छा लगता है, मैं जो व्रत के लिए बनाती हूँ ना वो सब मन से खा लेती है, बाकी जो दाल रोटी है वो इतने मन से नहीं खाती है, तो ये सब्जी भी मैंने एक्स्ट्रा ही बना ली थी क्योंकि पापा जी को बहुत पसंद है व्रत वाली जो सब्जी होती है ना नॉर्मल सी, ये उनको ही बहुत पसंद है, तो जीनू का अलग भोग लगाती हूँ मैं, अपना अलग लगाती हूँ। गणेश जी का पेट ही नहीं भर रहा है, गणेश जी का पेट नहीं भरता होता, जीनू कब से खिला रही है, आपको पता कब कब खिलाया आपने बता ना, मैं सुबह को भी खिलाया था, मैं स्कूल जा रही थी, रो रहे थे वो बहुत, कह रहे थे कि मुझको भूख लगी है, चिल्ला के कह रहे थे, अगर इसे रियल ना होता तो बोलते थे क्ले मिट्टी हो रहा है ना मैं, अच्छा तो पिछली बार गरीब भी आएंगे पानी उनको डुबाएंगे तभी मैं ही गंदी को हटा दूंगी, रियल में नहीं डुबाऊंगी पानी में, ऐसे बस मिट्टी जैसे विसर्जन किया था हमने, वैसे ऐसी मिट्टी से बाल्टी बना दो किसके ना लकड़ी के लिए से बाल्टी नहीं मिट्टी से बनाऊंगी, अच्छा मिट्टी से बाल्टी बनाऊं, अभी आपने खिला दिया उनको मोदक, खिला दिया मोदक, नहीं लड्डू खिला, ओह मम्मी ने मोदक बहुत लड्डू बन गए जी इनके, कटो ये इनका ये इनकी वो क्या होता है
ये इनका तकिया है, दोनों का तकिया है, मुस्तका और इनका क्या होता है मुस्तका जी, इन्होंने मुंह से खा गए आपके बंद है, खो गए, खो गए मुस्तक, अरे राम भाग गए यानी के ना ने? मैंने मना करा था कि कहीं मत जाना, तो उसको याद आए कि वो तो वो किताब पढ़ने गए, अच्छा किताब पढ़ने गए वो, देखो बना दिया ऐसा जी मुझको बता देना गरीब जी, मुझको वापस से चले, चलो पहले हाथ में भोग लगा लो, आ जाओ खाना खा लो, हैंड वॉश कर लो, मैं अपना ही भोग लगाऊंगी, मैंने लगा दिया माता रानी को, आप खा लो, और किसी को लगाया, हाँ सबको लगा दिया मैंने, गरीब जी को लगाया, हाँ गणेश जी को भी लगा दिया, वो गरीब भी है ना, बट मेरे वाले गरीबी मिट्टी से बनाए, उनको मैं अपने हाथ से खिला, अच्छा वो भी गणेश जी से पूछना, गणेश जी को क्या पसंद है, गणेश जी को खा लेंगे, गणेश जी ये पसंद है, या नहीं ये पसंद है, ये कितने लगा के खिलाओ, दही से खिलाओ तुम्हें, ऊपर से ही लगा ना, ठीक है, ऊपर से खिले है ना, फिर वो कोई खाएगा नहीं, बस खा लिया बड़े दिन आज आज, हाँ सही है, चलो चलो खा लिया।